जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। आप जानते हैं कि हमारा भारत जो था वो 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 में ही पहली मंत्रिमंडल बनाई गई और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तरफ दोस्तों मंत्री के नाम है और दूसरी तरफ विभाग। तो आइए देखते हैं। पहला आप देखेंगे जे एल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, साथ ही साथ विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री भी थे। तो इसको नोट करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो जवाहरलाल नेहरू। ये साथ ही साथ विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध विभाग के भी मंत्री थे। अगला देखेंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इसको भी नोट करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मौलाना अबुल आजाद कलाम। मौलाना अबुल आजाद कलाम को शिक्षा मंत्री बनाया गया और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बनाया गया तो उस पहले मंत्री में जो शिक्षा मंत्री थे वो दोस्तों मौलाना अबुल आजाद कलाम थे। तो इसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, फिर आगे देखेंगे डॉक्टर जॉन मथाई, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जॉन मथाई। अगला देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि या कानून मंत्री बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विधि या कानून मंत्री किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा बी आर अम्बेडकर को। अगला है जगजीवन राव। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जगजीवन राम को किस विभाग का मंत्री बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा श्रम विभाग का। इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे सरदार बलदेव सिंह, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरदार बलदेव सिंह को स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल में जो रक्षा विभाग था उसका मंत्री बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा सरदार बलदेव सिंह को। उसके बाद अगला देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि राजकुमारी अमृता कौर, ये बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया, तो स्वास्थ्य मंत्री जो है ये राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया, जो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। फिर आगे देखेंगे आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर के षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया। आपको पूछा भी गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा षणमुखम शेट्टी। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। तो
तो ध्यान रखिएगा, उद्योग का ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योग विभाग के मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर अगला देखेंगे बी एन गॉडविल। बी एन गॉडविल को कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री बनाया गया। फिर आप देखेंगे रफी अहमद सिदवई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रफी अहमद सिदवई को संचार विभाग का मंत्री बनाया गया। और सी एच भाभा को वाणिज्य विभाग का मंत्री बनाया गया। तो ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के 14 मंत्री थे जो इनके अलग अलग विभाग के मंत्री बनाए गए थे, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट कर लीजिए और डेली इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में ये हर बार आते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।